प्रिया दर्शका ने दीपाली माथुरी राम राम। राजस्थान री खबर माए थाको स्वागत छे। नजर डाल सिया ई वक्त री मुख्य खबर पर। आज ही रे दिन 2005 माए मनरेगा हुयो पारित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जताई खुशी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे करी प्रदेश सरकार सु मांग। गिरदावरी कर किसाना ने उचित मुआवजो प्रदान करे सरकार। विधानसभा सत्र रे बाद राज्य सरकार रे खिलाफ भाजपा छेड़ सी आंदोलन। भाजपा नेता रामलाल कांग्रेस आला कमान ने बतायो फेल। जोधपुर माए 12 साल री नाबालिग दी एक बच्चा ने जन्म। बाल संरक्षण आयोग मामला माए लियो संज्ञान। आज ही रे दिन 2005 माए मनरेगा संसद माए पारित हुयो छो। इनलेर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुशी जताई छे। सीएम गहलोत ट्वीट कर बोलिया के यूपीए रा वर्ष अभूतपूर्व सुधार और कानून लाभा रहता ही समर्पित छे। उमे मनरेगा भी एक छे जो आज ही रे दिन 2005 माए संसद माए पारित हुयो छो। सबसु प्रमुख सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम माए सु एक रे रूप माए इने काम रे अधिकार ने सुनिश्चित कर ग्रामीण क्षेत्र माए जीवन ने बदल दियो। राजस्थान भाजपा गहलोत सरकार रे खिलाफ बड़ा अभियान री तैयारी माए जुट गई छे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया रे अनुसार राज्य सरकार रा 3 साल पूरा हो बाला छे। ईशा माए विपक्ष रे रूप माए भाजपा एक बड़ो जन आंदोलन री रूपरेखा तैयार कर रही छे। पूनिया बतायो के राजस्थान विधानसभा सत्र खत्म होबा रे बाद यो अभियान छेड़ियो जासी। प्रदेश माए मंत्रिमंडल विस्तार माए होरी देर ने लेर भाजपा नेता रामलाल शर्मा चुटकी ली छे। शर्मा बोलिया के मंत्रिमंडल विस्तार माए अब आला कमान भी फेल हो गयो छे। अब आला कमान भी केवल तारीखा देर विधायका ने मंत्री बनाबा रा हसीन सपना दिखा रिया छे। रामलाल शर्मा बोलिया के प्रदेश माए मंत्रिमंडल विस्तार होनो घणो मुश्किल काम छे क्योंकि सरकार अपने काम माए ही उलझेड़ी छे। वा बोलिया के मंत्रिमंडल विस्तार होता ही प्रदेश माए बड़ो विस्फोट होसी। किसाना री फसला खराब होबा पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे चिंता जताई छे। राजे ट्वीट कर बोली के प्राकृतिक बेरुखी प्रदेश रा किसाना री चिंता बढ़ा रही छे। अन्नदाता ने प्रशासन से उम्मीद छे। इके ताई राजे राज्य सरकार से मांग करी छे के तुरंत गिरदावरी कर किसाना ने उचित मुआवजो प्रदान करनो चाहिए। इके सागे ही वसुंधरा राजे बोली के पश्चिमी राजस्थान सूखा री चपेट में आए छे। मीडिया रिपोर्ट्स रे अनुसार कुल बुवाई री केवल 10-15% फसला ही बची छे और खेती रा करीब 2,000 करोड़ रुपया रो नुकसान रो अनुमान छे। वटी प्रशासन री ओर से बिजली कटौती और कम वोल्टेज री सप्लाई और बढ़ता तापमान भी खेती री कमर तोड़ रखी छे। जोधपुर जिला माए एक 12 साल री नाबालिग एक बच्चा ने जन्म दियो छे। इके ताई बाल संरक्षण आयोग संज्ञान लियो छे। बाल संरक्षण आयोग री अध्यक्ष संगीता बेनीवाल बताई के वा पीड़िता सु बात करी जिमे सामने आयो के पीड़िता रा सहपाठी ही उके सागे दुष्कर्म करिया। वटे ही अब पुलिस ई पूरा मामला री जांच माए जुट गई छे। संगीता बेनीवाल बोली कि यो घटना घणी निंदनीय छे। वा बोली के ईशा मामला ने रोकबा रे ताई जागरूकता रा अभियान चलायो जासी। पीड़ित बच्ची डर के मारे ई घटना के बारा माए अपने परिजना ने कोनी बताई। बच्चा के मन सु डर निकालनो जरूरी छे ताकि वा अपने परिजना ने अपने सागे होबाली घटनाओं रे बारा माए बता सके। लूणी नदी रो दूषित पानी अब बाड़मेर जिला रा समदड़ी तक पहुंच गयो छे। इन्हें ले आज केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रा वैज्ञानिक री टीम और विधायक हमीर सिंह भायल समदड़ी पहुंचा। वा किसाना सु जानकारी ले बारे सागे नदी माए आयो रासायनिक पानी रो अलग अलग सैंपल लिया। बता देवा बाड़मेर जिला री मरुगंगा नाम सु विख्यात लूणी माए पिछला एक दशक सु पाली जिला री फैक्ट्रिया सु नेड़ा बांध माए इकट्ठो रसायन युक्त पानी और जोधपुर री जोजरी नदी माए एकत्रित दूषित पानी मानसून सु पहली लूणी नदी माए छोड़बा सु नदी रा तट पर किसाना री खेती ने भारी नुकसान पहुंच रियो छे। नेड़ा बांध और पाली जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि ये भारत सरकार को रिपोर्ट देंगे, उस रिपोर्ट के आधार पर कुछ किसानों के लिए रात हो सकती है, ये मैं महसूस कर रहा हूं और मैं खुद भी पीछे पड़कर इसकी पूरी कोशिश करूंगा और जैन साहब को भी मैं इस किसानों के मार्फत आपको निवेदन करूंगा कि आपने हालात देखा है, आप पूरी टीम आई हो तो ये हालात देखा है। ये मरुधरा है, मरुधरा में ये मारवाड़ है मरुधरा में और ये लूणी नदी जो जीवनदायिनी थी इसकी ये स्थिति बन गई। आप नज़रों से देख कर जा रहे हैं, सत्य रिपोर्ट करके इस किसानों को रात कैसे मिले इसके लिए हम आपसे भी उम्मीद करते हैं और ये विश्वास भी है कि आपने आकर ये सारी चीज़ें आपने देखी है तो इसके लिए ये आने वाले समय में कुछ अपन कर पाएंगे। अभी जो सुरेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि नदियों से नदियों जुड़ने वाला वो कार्यक्रम भारत के प्रधानमंत्री जी ने हाथ में लिया है और उसमें बहुत समय तो लगेगा कि वो बहुत बड़ा काम है, उसमें समय लगेगा, पर तो अपने लिए भगवान बारिश करे और इस प्रदूषित पानी अगर दूर हो जाए तो वो पानी आएगा जब तक अपन जिंदे रह सकेंगे, वरना
इस बार की हालत बहुत खराब है। एक साल पहले लेडी डॉन अनुराधा चौधरी वीडियो कॉल के जरिए कुचामन रा सट्टा कारोबारी ने धमकाई थी। ई पर कारोबारी सुनील कुमार गौड़ कुचामन थाना माए मामलो दर्ज करायो छे। ई मामला माए पिछला एक साल सु फरार अनुराधा चौधरी ने कुचामन थाना अधिकारी रामवीर सिंह जाखड़ प्रोडक्शन वारंट पर बापरदा गिरफ्तार करियो छे। मृत अधिकारी कुचामन मोटाराम बेनीवाल मीडिया ने बतायो के मामला माए दो आरोपी बहादुर सिंह और श्याम सिंह ने गिरफ्तार करियो जा चुके छे। अनुराधा ने न्यायिक अभिरक्षा माए भेजवारे बाद उकी शिनाख्त परेड कराई जासी और उके बाद पुलिस उन्हें रिमांड माए लेर पूछताछ करसी। पिछले साल 25 अगस्त को सुनील गोड नाम के व्यक्ति के घर पर दो व्यक्ति आए थे और उन्होंने मोबाइल पे अनुराधा डॉन से बात कराई थी और उसने इस बात की धमकी दी थी, जिसके अनुसार 27 तारीख को हमारे मुकदमा 203 नंबर दर्ज हुआ था। और इस अनुसंधान के दौरान दो आरोपी श्याम सिंह और बहादुर सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका। और इसके मेन जो धमकी देने के आरोपी थी अनुराधा, वो इसमें हमारी वांछित थी, जिसको दिल्ली सेंट्रल जेल से पर्याप्त सुरक्षा जाब्ता के साथ लाया गया और लाने के बाद उसको गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ की जा रही है। टोंक माए एक तेज रफ्तार वाहन माँ और बेटा री जान ले ली। टोंक जिला माए दिखियो तेज रफ्तार रो कहर, अज्ञात वाहन मारी बाइक ने टक्कर। हादसा माए बाइक सवार माँ बेटा री हुई मौत। मामला री जांच माए जुटी पुलिस, शवारा पोस्टमार्टम कर परिजना ने सौंपिया। राजस्थान री खबर माए फिलहाल इतनो ही। राम राम।